पहला जारे आंसू आवता त्यारे माँ याद आवती ने आजे माँ याद आवे ने आंसू आवी जाए छे। रमेश पारेख की आ पंक्ति वाँचता ज खरेखर आंसू आवी जाए छे। माँ विषे वेदों उपनिषदों शास्त्रों वगैरह में अढ़ड़क प्रसंगों छे। हजारों कविताओं भजनों दुहाओं वगैरह लखाए छे। साहित्यकारों अढ़ड़क प्रसंगों पण कहिया छे। फिल्मों पण खूब बनी। टूंक में माँ विषे लखवा बेसीए तो हमेशा ओछू ज पड़ू छे। त्यारे मारी सहेज पण क्षमता नथी के माँ विषे लखी शकी, परंतु अपना बाळपणनी थोड़ीक वातो हूँ अहीं संक्षिप्तमां वागोडुं छुं। आपणे दिवस दरमियान रमीने थाकी जाता एटले घरे आवीने सांजे सूई जाता अने रसोई बनो एटले माँ आपणने जमवा माटे ऊंघमांथी जगाड़े। आपणे उठीए नहीं छतां हाथ पकड़ीने उठाड़ती अने खवड़ावती हती, कारण के जो आपणे भूख्या सूई जाइए तो माने आखी रात ऊँघ न आवती। रमता रमता पगमा ठेस वागे अने आपने रड़वा लागिए तो माँ काम पर पड़तु मूकीने दौड़ी आवी आपने तेड़ी लेती अने ज्या वाग्यू होय त्या फूक मारती। मानी ए फूक मां शू जादू होय, राम जाने पण तरत ज सारू थई जतु। रात्रे ताव आवी जाय तो मुश्केली थती, कारण के वाड़ी विस्तार मां रहता होइए एटले रस्ता सारा न होय, वाहननी व्यवस्था पण न होय, गाममां दवाखाना न होय, छता मां गभराया वगर मनोमन कुळदेवीनी मानता मानती एटले तरत ताव सारो थई जतो। आ कोई अंधश्रद्धा नथी, परंतु मैं खुदे अनुभवी छे। बाळक राते खूब रड़े सूए नहीं त्यारे माँ नजर उतारती अने खरेखर बाळक रड़तू बंद थई जतू। बाळक दूध न पीवे खाय नहीं तो पण माँ नजर उतारती। माँ तो माँ छे, एना ऋण कोण चूकवी सके। सांप्रत समय में घणी घटनाओ आपणे जोईए छीए के वृद्ध माँ ने दीकराओ कनड़ता होय परेशान करे, परंतु एने ए खबर नथी के हूँ आजे छू तो मारी माँ थकी छू। बीजू मैं एक नोंध करी छे के भाड़ामां मकानमां रहेनार दीकरो आखी जिंदगी माँनू घड़पण पाड़े छे, पण करोड़ोनी हवेलीमां रहेनारने पोतानी वृद्धमां माटे जग्या नथी होती अने आ वात उपर विश्वास न होय तो एक धक्को वृद्धाश्रममां खाई लेशो एटले ख्याल आवी जशे। जय द्वारकाधीश।